नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। शाम के 4 बज चुके हैं। आप और हम हिंदुस्तान में होली मना रहे हैं, वहीं बांग्लादेश में होली के मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इस बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन राधाकांता मंदिर पर गुरुवार शाम को भीड़ ने धावा बोल दिया और इस हमले की तस्वीरें अब सामने आई है। करीब 7 बजे हाजी सैफुल्ला की अगुवाई में 200 से अधिक लोग मंदिर में जबरन घुसे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, मंदिर में लूटपाट की। इस दौरान मंदिर में मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई, जिस वजह से 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में खौफ है और उन्हें डर है कि कहीं 2021 में हुई हिंसा दोबारा ना हो जाए, और यही डर कोलकाता से भी सामने आया, जहां इस्कॉन के प्रवक्ता का एक बयान सामने आया है जिसमें कह रहे हैं कि हिंदू डरे हुए हैं, बचाइए ताकि 2021 दोबारा ना हो। कल शाम को हमारे एक जो मंदिर है ढाका में, हमारे कई मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है श्री राधाकांत मंदिर, वहाँ पर करीब 200 लोग हमारे मंदिर में घुसे और वो लोग नारा तकबीर का नारा देते हुए हमारे भक्तों के ऊपर में अटैक किया। उस अटैक से मैं 3 हमारे भक्त इंजर्ड हो गए, लेकिन फॉर्चुनेटली जब भक्तों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस आई और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को निकाला हमारे मंदिर कैंपस से। ये बार बार ये जो हमला हो रहा है बहुत ही चिंता का विषय है। हम बांग्लादेश गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रिसेंटली जैसे हमला हुआ था और कई हमारे भक्त मारे गए थे, तो वैसे स्थिति फिर से बन रही है, तो गवर्नमेंट को बहुत ही कड़ा स्टेप लेना चाहिए और जितने भी माइनॉरिटीज़ के मंदिर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। तो सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में पिछले साल अक्टूबर में हुए दुर्गा पूजा के दौरान जो हिंसा हुई थी, जिसके बाद हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई, 22 जिलों में यह हिंसा फैल गई थी जिसमें 90 से ज्यादा मंदिर जला दिए गए और 6 लोगों की मौत हुई थी। और इस हिंसा का असर बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन पर भी हुआ है। पिछले 9 साल में अगर आप देखेंगे तो 3600 हमले हुए हैं, जो दिखाते हैं कि किस बड़े स्तर पर हिंदू समुदाय पर हमले किए जा रहे हैं। और देखिए 1990, 95, 99, 2000 और 2021, ये वो साल हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, दंगे हुई, और इसी हिंसा का नतीजा आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या पर भी नजर आ रहा है। एक बार आपको वो दिखा देते हैं, हिंदुओं की संख्या पिछले कुछ सालों में कैसी। यहां आप देखेंगे 2050 तक यह अनुमान है कि हिंदुओं की संख्या 0 हो जाएगी। प्रोफेसर अब्दुल बरकत हैं, जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका यह अनुमान है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन का कमी देखी गई है हिंदुओं की, वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से 1974 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब वहां 18% हिंदू थे, जो 2011 की जनगणना के मुताबिक कम हो गए। 74 में 13%, 1981 में 12%, 91 में 10, 2001 में 9, 2011 में 8 और 2021 में अनुमान है बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का कि सिर्फ 6.5% हिंदू बांग्लादेश में बच पाएंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। राधा रमन दास जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन कोलकाता के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। रविंदर सचदेवा जी हमारे साथ हैं, बांग्लादेश भारत मामलों के जानकार हैं। सबसे पहला सवाल हम इस्कॉन के प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। राधा रमन जी, जमीन से क्या स्थिति आ रही है और किस तरह की भावना है मौजूद अल्पसंख्यक हिंदू समाज में? बहुत ही भक्त चिंता का विषय है। एक्चुअली हम जानते हैं कि आज होली और गौर पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन होता है इस्कॉन मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कल शाम को भक्त गौर पूर्णिमा की तैयारी कर रहे थे, होली की तैयारी कर रहे थे, और अचानक इस तरह लोग घुसते हैं और फिर मार पिटाई शुरू कर देते हैं बिना किसी प्रोवोकेशन का। हमें पता है कि दुर्गा पूजा के समय भी हमारे भक्त मारे गए थे, कई लोगों की और जाने गई थी, बहुत लोग आहत हुए थे, मंदिर को पूरा जला दिया था।
उसके बाद ये बार बार उसके बीच और अभी के बीच में ऐसा नहीं है कि ये दूसरी बार हो रहा है, उसके बीच में भी बहुत बार ये होते रहे हैं। सरस्वती पूजा अभी कुछ दिन पहले थी, उस समय भी कुछ डेटिस को तोड़ा गया, तो ये कॉन्स्टेंट वहां पर होते रहता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बांग्लादेश गवर्नमेंट और पूरे विश्व को देखना चाहिए कि इस चीज पर कैसे रोक लगाई जा सके। तो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और पूरे विश्व को देखना चाहिए कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए। सचदेवा जी हैं, भारत बांग्लादेश मामलों के जानकार हैं। सचदेवा जी, ये हमला 17 मार्च को हुआ, शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश के जन्मदिन के दिन, जब उन्होंने एक सपना देखा था कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होगा। क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में जो सपना शेख मुजीबुर रहमान ने देखा था वो हकीकत हो रहा है, या फिर कट्टरपंथियों का दबदबा स्पष्ट है? नहीं, जो सेकंड आप बात कह रहे हैं वही हो रहा है, कट्टरपंथियों की तरफ टिल्ट कर रहा है बांग्लादेश। तो मैं थोड़े से बड़े वाइडर व्यू में कहूंगा, देखिए बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही अहम पार्टनर है, राइट, हमारे बॉर्डर पर है। अभी आपने जो दिखाया कि जो बड़े बड़े दंगे हुए हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में 1995, 1999, 2001, और अब शायद आप दिखा रहे हैं 2021 पिछले साल वाला, राइट, तो ये कॉरेस्पॉन्ड भी करता है अफगानिस्तान में तालिबान से। बाय द वे, 90 के दशकों में तालिबान उभरा था और रेडिकल थॉट बढ़ी थी, राइट, इंस्पिरेशन बढ़ी थी। अब फिर से वापस तालिबान आ रहा है, तो जो कहा जा रहा है बार बार कि इंस्पायर करेगा, तो ये कुछ उसका भी इफेक्ट है, दैट इज वन। दूसरी बात, इस चीज को मेरे ख्याल से हमें तीन अलग अलग एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम है। पहली बात तो है, यस, इमीडिएट रिलीफ एक्शन, बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार टू बांग्लादेश सरकार, उसी के जरिए हम ज्यादा सॉल्व करें या जितना ज्यादा एक्शन हो इस पे और आगे रुकें, दैट इज वन। दूसरी बात देखिए, हमें लॉन्ग टर्म में प्रयास ये करना है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हमें बांग्लादेश के साथ दिल को भी जीतना या रिलेशंस बढ़ाने का करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना है कि जो कट्टरपंथी हैं यही असली बांग्लादेशी हैं, राइट, असली बांग्लादेशी में भी 90%, 95, 99% अच्छे लोग और जो हमसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हमें उनके साथ ज्यादा काम करना चाहिए और बांग्लादेश से हमें रिश्ते बढ़ाने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हम ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान बन जाए, राइट, तो उसका एक ये तीसरा एंगल जो इसमें है वो है चीन का। चीन देखिए इस समय बांग्लादेश के साथ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप्स कर रहा है, उसने एक बहुत बड़ा मिसाइल मेंटेनेंस फैसिलिटी लगा रहा है भी ढाका में। बांग्लादेश सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट चाइना से करता है, ये तो डिफेंस हो गया। उसके अलावा डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसे भी काउंटर करना है। तो बांग्लादेश के साथ आई थिंक ये सिनेरियोस है, बट गोइंग बैक इस मुद्दे को लेकर के इंडियन सरकार डेफिनेटली बांग्लादेश गवर्नमेंट से, बट सेकेंडली हमें यह देखना है कि बांग्लादेश के साथ हम कैसे अपने रिश्ते और अच्छे करें, इंप्रूव करें, ज्यादा एंगेजमेंट्स बढ़ाएं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं। नवल जी, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा की तस्वीरें आती हैं, होली पर भी ऐसी तस्वीर आई है। हिंदू समाज किस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद कर सकता है? जी, मैं इंडिया टीवी के माध्यम से पहले पूरी विश्व में सनातन परंपरा को मानने वाले और सभी बंधुओं को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की बांग्लादेश में मंदिर पर जो हमला हुआ है, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू जहाँ रहे सुरक्षित रहे, गर्व से रहे, परंतु ये संभव नहीं है। चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे कहीं अन्य का मुसलमान हो, उसको मदरसे में जो कुछ पढ़ाया गया है वही कर रहा है, उसके धर्म ग्रंथों में जो बताया जाता वही कर रहा है। आज वहाँ कर रहा है, कल यहाँ करेगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ करेगा। तो मैं किसी मुसलमान को तो गलत बता नहीं रहा हूँ। अब हिंदू को सोचना है कि हमें मरना है कि समुद्र में डूब के मर जाना है। कुछ लोग कहेंगे तथाकथित लोग, बड़ा भड़काने वाला बयान है ये, भड़काने वाला नहीं, जगाने वाला बयान है। कभी भी कोई सनातन को मानने वाला किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। आज बांग्लादेश हिंदुस्तान के कारण सुरक्षित रहा, बांग्लादेश आज कहता है कि हिंदुस्तान जीवनदाता है। आज हमारे बंधुओं के साथ वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, क्या वहाँ की सरकार का दायित्व नहीं है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करें?
परंतु ऐसा होगा नहीं कहने से कोई फायदा नहीं, क्या क्योंकि जहां मुस्लिम बाल है सरकार को अपील करेंगे, दबाव बनाएंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएं, आपकी भूमिका क्या होगी? हाँ, मैं जरूर भारत सरकार से आग्रह करूंगा, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि बांग्लादेश सरकार से बात करे और उनको कहे कि आप अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, आपके नागरिकों को अपने ढंग से जीने का अधिकार उनको प्रदान करें, यही तुम्हारी मूल भावना थी देश बनाने के मूल में। जो वहाँ राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जो तथाकथित इस्लाम के नाम पर दूसरों को हत्या करते हैं, जीना नहीं देना चाहते, उनको कंट्रोल में करना हिंदुस्तान का काम नहीं है, वहाँ की सरकार का है। तो हमारी सरकार जरूर उनको कहेगी, पर मैं आपको स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ कि कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज थोड़े बहुत हिंदू वहाँ बचे हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग अपना सर्वस्व छोड़ करके यहाँ जंगलों में बस रहे हैं, रोड के किनारे बस रहे हैं, यही होना है। हिंदुओं एक तो बुलावा दे रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान लाना चाहते हैं, छोड़ो हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे, बांग्लादेश से हिंदुओं को आप हिंदुस्तान बुलाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हिंदू जहां रह रहा वहां सुरक्षित रहे, परंतु ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज नहीं तो कल तो आपको हिंदुस्तान आना ही है, तो कम से कम अपनी इज्जत बचा करके, अपना परिवार को लेकर के जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए, और भारत सरकार को चाहिए कि उनका स्वागत करे, क्योंकि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या किसी और मुस्लिम कंट्री में कोई हिंदू सुरक्षित रहेगा, अपने स्वाभिमान के साथ रहेगा, ये सपने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शादाब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पीस पार्टी से। शादाब जी, आपको जब ये खबर पता चली कि इस तरीके से हमला हुआ है, छोड़कर के राष्ट्रवाद का काम करें। नवल जी रुकिए, शादाब हमारे साथ हैं। शादाब सुनाने की, शादाब आपके पास जो भी खबर मिली कि पाकिस्तान में इस तरह माफ कीजिए बांग्लादेश में इस तरह से हमला हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्यों इस्लाम का ऐसा कट्टर चेहरा बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है? आप इस खबर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? पवन भाई, अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर कोई हमला होता है या मजहब की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को आतंकवादी गिराते हैं या कोई किसी भी धर्म का नारा लगाकर बेगुनाहों की हत्या करता है, चाहे अखलाक का दर्द हो या किसी और का हो, किसी भी अरे चुप हो जाइए, बोलने दीजिए महन जी, एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। महन जी बोलने दीजिए, महन जी एक बार बोलने दीजिए, बाद में आइए। यही समस्या है कि महामंडलेश्वर इतना अभी सनातनी छोड़ा पहन कर आप जो बताओ, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो फिर जवाब दिया जाएगा। महामंडलेश्वर जी प्रेम से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार फिर आपके पास भी आएंगे सर। सभ्य बनिए, आतंकी बन के बात। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी एक बार बोलने ले दीजिए, आपके बाद आएंगे आपके पास। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी, आप सुन लीजिए फिर आपको। नवल जी रुकिए, अपनी बात रखिए शादाब, बात रखिए आप अपनी जी। मैं एक बार फिर वही चीज कहूंगा कि बांग्लादेश में जो ये कृत्य हुआ, हम उसके भी खिलाफ हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद को आतंकी गिराए उसके भी खिलाफ है, या किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म स्थल पर कब्जा करे कोई नारा लगाकर या किसी की गाय के नाम पर हत्या करे, सबके खिलाफ। शादाब जी बिना इफ बट के आप इस बात की आलोचना भी नहीं कर सकते, आप बिना ना नुकर के इस बात की खुल के आलोचना भी नहीं कर सकते। नहीं देता, चार उदाहरण आपको देने जरूरी है। नहीं देता आप, अगर महामंडलेश्वर जी चुप हो जाए तो मैं उसकी निंदा करता हूं। इनका महामंडलेश्वर जी, आप दो मिनट रुकिए, मैंने शादाब से बात करने दीजिए। आप अयोध्या में आतंकवादी बताएंगे लोगों को? अरे सुनिए, आतंकवादी बताएंगे हम नहीं चुपेंगे। आप आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं? आपकी भाषा क्या कह रहे हैं आप कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? आप एक ऐसा, आपको देखा तो मेरा मन प्रसन्न हुआ कि कितना बढ़िया चोला है, लेकिन आपकी भाषा आईएसआईएस की भाषा है, आपकी भाषा आईएसआईएस की भाषा है। आप प्रेम नहीं चाहते, आप आतंकवादी वाली भाषा बोल रहे हैं। नवल जी, नवल जी रुकिए, आप एक बार रुकिए, नवल जी का माइक एक बार डाउन कीजिए, शादाब से बात करनी है। ये देश संविधान से चलेगा शादाब, संविधान से चलेगा शादाब, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। एक बार आप शादाब बदतमीजी, सवाल सुनिए शादाब, सवाल सुनिए। नवल जी नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या आप बिना किसी ना नुकुर के बांग्लादेश में जो हमला हुआ उसकी निंदा भी नहीं कर सकते? मुझे सीधे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी धर्म स्थल पर गुंडई करने वाले लोगों
को हम लोग पूरी तरह न सिर्फ कंडम करते हैं, और दुख है कि मोदी जी ने अब तक बात नहीं की वहां के प्रधानमंत्री से। बात करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात करना चाहिए, चाहे पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे बांग्लादेश का इशू हो, बाबरी मस्जिद का हो, पहलू खान का हो, और गुजरात फाइल जैसी फिल्म लाकर चाहे नफरत फैलाने का हो। हम हर तरह की नफरत के खिलाफ हैं, हम न्याय के साथ हैं, शांति के साथ हैं, हम प्रगतिशील भारत देखना चाहते हैं। ये कैसी शांति है जो दूसरे हर मामले में एक इफ एंड बट के साथ एक्सप्लेनेशन? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को हिंदुस्तान लाना चाहिए शादाब? नहीं लाना चाहिए। क्यों? भारत सरकार को नहीं लाना चाहिए, भारत सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए। मोदी जी के अच्छे रिश्ते हैं बांग्लादेश से, मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मोदी जी को वहां की सरकार से बात करना चाहिए। मैं भारत के लोगों, भारत में सारी दुनिया को भारत में लाएंगे, और अगर जरूरत पड़ती है सीए तो की जो प्रस्तावना है उसके हिसाब से तो कम से कम पीड़ित हिंदुओं को तो लाने की बात कर रही है सरकार। पीड़ित हिंदू हो या पीड़ित मुसलमान हो, अगर या सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई कंट्री टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करता है किसी भी धर्म की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, तो हमारा दिल बहुत बड़ा है। रोहिंग्या मुसलमानों को भी लाना चाहिए, बांग्लादेशी हिंदुओं को भी लाना चाहिए। नवल किशोर जी, शादाब कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं को क्यों ला रहे हो, रोहिंग्या मुसलमानों को भी लेके आइए हिंदुस्तान में। नहीं पवन जी, पाकिस्तान में मुसलमान पिट रहा है क्या? बांग्लादेश में मस्जिदों में हमला हो रहा है क्या? अरे जिसपे हमला हो रहा है उसे तो लाया जाएगा, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत ली जा रही है, उन्हीं को तो बुलाया जाएगा। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहां जहां मुस्लिमों को कंट्री है, वहां हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनको हत्याएं की जा रही हैं। इसलिए भारत सरकार से मैं आह्वान करता हूं, मांग करता हूं कि हिंदू जहां परेशान है, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति जहां परेशान है, उसको भारत को बुलाना चाहिए। और हिंदू भारत नहीं आएगा तो कहां जाएगा, कहां जाएगा? मुसलमानों के तो कसी 60 देश से कहीं जा सकते, हिंदू कहां जाएगा, सिख कहां जाएगा, जैन कहां जाएगा? शादाब, भारत नहीं आएगा तो कहां जाएगा? इनका तर्क ये है कि हिंदू जैन सिख जाता उसे भारत अगर उसे किसी ऐसे देश में प्रताड़ित किया जाए तो भारत अपना दरवाजा क्यों बंद कर ले? आप सीए का मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट की मुखालफत इसलिए करते हैं क्योंकि वो कानून आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी को वायलेट करता है, क्योंकि इंडिया की आइडेंटिटी रिलीजन नहीं है। राइट टू इक्वेलिटी कहां मिलता है, किसको मिलता है? आइए जरा संविधान पे ही बात करते हैं। राइट टू इक्वेलिटी किसको? भारत के नागरिक को ना? बिल्कुल, भारत के नागरिक को। तो भारत का नागरिक कौन होगा, इसका तय करने का अधिकार किसको है? उसके लिए भी संविधान में पहले से किसको है, नागरिकता देनी है, सरकार तय करेगी ना। तो जब नागरिकता दी नहीं तो राइट टू इक्वेलिटी मिला कैसे? अगर नागरिकता ही नहीं मिली, नागरिकता तय ही नहीं हुई, तो राइट टू इक्वालिटी कैसे? तो कैसा पता पवन भाई, प्रेम से? हाँ, अबे प्रेम से हूं मैं तो गुस्से में नहीं हूं, मैं तो प्रेम से हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर कोई भारत का नागरिक है ही नहीं तो भारत के संविधान के तहत राइट टू इक्वालिटी की बात कैसे कर सकता है? भारत के अंदर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर कोई आता है इंडिया को, उसको भी राइट टू इक्वालिटी, उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं हो सकता। आपको पढ़ना चाहिए राइट टू इक्वालिटी की क्राइटेरिया। शादाब, शादाब कम से कम मुझे ना पढ़ाएं, कानून पता है। नागरिकता तय करने का एकमात्र अधिकार सरकार के पास है, और वो राइट टू इक्वालिटी भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को दिया गया है। कोई विदेश का आके यहाँ पे राइट टू क्वालिटी का दावा नहीं कर सकता। भारत सरकार के आधार पर तय नहीं कर सकती। पहले नागरिकता तय होगी, उसके बाद बाकी सब आपको अधिकार मिलेंगे। चलिए हमारे साथ एक्सपर्ट है रविंद्र सचदेवा जी हैं। रविंद्र जी, एक सवाल आपसे ये कि भारत लगातार बांग्लादेश के संपर्क में है, किस तरीके से शेख हसीना की भूमिका है, और भारत शेख हसीना पर भरोसा करता है? पहले भी बयान आए हैं कि वो है तो संभाल लेंगी, तो क्या उम्मीद की जाए, शेख हसीना हिंदुओं को न्याय दिलवा पाएंगी वहां? देखिए, प्रयास तो वो करेंगी, भारत भी प्रेशर लगाएगा, उन्हें प्रयास करना भी चाहिए, इन एनी केस करना चाहिए अपने सिटीजन की सिक्योरिटी के लिए। वो कितना दूर जाएगा बात वो है, राइट। बात ये कि भारत को शेख हसीना बांग्लादेश सरकार के साथ बैठ के एक लंबी चर्चा करनी चाहिए ओवरऑल, जिन पॉइंट्स को मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए, ये हादसे हो रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है, जो हम नहीं चाहते, और आप भी शायद नहीं चाहते कि आप टोटल चाइना की एक सैटेलाइट बन जाओ पाकिस्तान जैसे, और आपके देश के अंदर के हालात भी पाकिस्तान जैसे हो जाए, राइट।
तो इसलिए हमें ये हमारी भारत सरकार को इनके पास ला करके रखनी चाहिए। और इसमें बेसिक है, और अभी भी जो डिस्कशन चल रही थी, देखिए बॉटम लाइन जिंदगी में है हमारे साथ इस्कॉन के एंड सम स्पिरिचुअल इतने बड़े बड़े थिंकर्स बैठे हैं, दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है अदर देन लिव एंड लेट लिव। हम लोगों को, सिविलाइजेशंस को, रिलीजन्स को, कंट्रीज को, सिस्टम्स को एक इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा जहां होगा भैया हम भी जीते हैं आप भी जियो, हम आपको जीने देंगे आप हमें जीने दो, परंतु अगर आपने हमें नहीं जीने दिया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम करेंगे जैसे गलवान हुआ था भारत का चीन के खिलाफ। बट बेसिक हमारा प्रिमाइस भारत का ये होना चाहिए, और भारत को हम अगर विश्व की प्रॉब्लम्स के लिए आज की तारीख में आगे ले जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हमें दुनिया में अभी यूक्रेन रूस भी जो हो रहा है हर जगह में ये लिव एंड लेट लिव रिजॉल्व करो, और बांग्लादेश के साथ खासकर आई वुड से रिलेशंस बढ़ाओ, उनके स्टूडेंट्स आए, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, जो भी कुछ हो, बिजनेस हो, बांग्लादेश के साथ रिश्ते बढ़ाकर बात होगी। राधारमन जी, इस्कॉन लगातार संपर्क में रहता है, आपके कई मंदिर वहां है, पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो मैं भी वहां गया था, क्या हमेशा वहां सिक्योरिटी की जरूरत महसूस होती है या धार्मिक त्योहारों पर इसी तरह का टकराव देखने को मिलता है? बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है काफी यूनाइटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग चाहते हैं वो लोग अटैक करते हैं और हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 2000 जो दुर्गा पूजा में हुआ था वो पहला इंसिडेंट नहीं है इस्कॉन का, 5 साल पहले भी इस्कॉन के 2 भक्तों का गला काट के रेत के मार दिया गया था, लेकिन उस समय वो एक भी न्यूज किसी न्यूज चैनल ने भी नहीं दिखाया, बस 2-3 बांग्लादेश के चैनलों ने उसको रिपोर्ट किया था, किसी ने कवर नहीं किया। तो ये होते रहता है। इस्कॉन बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक मच्छर को भी नहीं मारते हैं। दूसरी तरफ हम लोग पता है कि इस्कॉन अभी तक 7.4 बिलियन लोगों को भोजन दे चुका है, बांग्लादेश में भी हम लोग भोजन परोसते हैं सबको, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरह का जो आक्रमण हो रहा है और इस तरह से हमारे भक्तों को मार देते हैं, मंदिर से सामान उठा कर ले जाते हैं, मंदिर के विग्रह तोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। ये इस्कॉन की संस्थाएं पूरे विश्व भर में हैं। अगर आप विश्व भर की स्थिति और बांग्लादेश की स्थिति को कंपेयर करें तो क्या फर्क आपको नजर आता है, क्या डिफरेंशिएटर है, क्या इस्लामिक कट्टरपंथ वो डिफरेंशिएटर है या कोई और डिफरेंशिएटर है जो ऐसी स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश में है? दूसरे देश में कभी इस तरह की स्थिति नहीं आई, लेकिन हमारे भक्त जैसे चेचन वॉर में जब सेवा कर रहे थे तो वॉर के दौरान मारे गए सेवा करते, वो दूसरी स्थिति है, लेकिन एक धर्म के कारण, मतलब हमारा धर्म के कारण हमें मार रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ही देखने को मिलता है या किसी इस्लामिक नेशन में मिलता है। तो ये तो मतलब सोचना पड़ेगा, जैसे महन जी बोल रहे थे, नवल किशोर दास जी, कि जब तक ये जो उनके मतलब जो छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि चालिव गालिव या रालिव, वो जो बताया जाता है कि या तो कन्वर्ट करो या एकदम तुम हमारे जगह से चले जाओ, या तो अगर इस तरह की अगर शिक्षा दी जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक जगह दी जाती है, अगर दी जा रही है तो उसको रोकना होगा। जो सादात जी हैं वो भी एग्री करेंगे कि अगर इस तरह की शिक्षा अगर दी जाती है तो इसको बंद करना होगा, कि मतलब एक काफिर होने के नाते आपको आपका जीने का अधिकार नहीं है, ये गलत शिक्षा है। शादाब, क्या आप भी मानते हैं कि एक काफिर होने के नाते जो इस्लाम को नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुरान में कहा गया? पवन भाई, यही गलत फहमियां क्रिएट की गई है। कोई भारत सरकार की रिपोर्ट है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है कि किसी मदरसे में कोई टेरर एक्टिविटी नहीं होती, यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं। मैंने टेरर एक्टिविटी की बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या गैर काफिर को जीने का अधिकार है, इस्लाम इस पर क्या कहता है? पवन भाई, लेट मी कंप्लीट। कोई किसी भी मजहब में रहता हो, मैं कुरान पाक की एक आयत कोट कर रहा हूं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी आप जिस धर्म पे रहते हैं आपको मुबारक, हम जिस पे रहते हैं उसको मुबारक। कोई किसी पे अगर जबरदस्ती करता है, कोई इंसिस्ट करता है, किसी का उत्पीड़न करता है, उसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। अगर कोई मुसलमान अपराध कर रहा है तो इस्लाम अपराधी नहीं है, वो व्यक्ति अपराधी है। उसी प्रकार अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या कर रहा है तो सनातन धर्म तो ही खराब हो जाएगा, वो व्यक्ति खराब है। बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो वो व्यक्ति खराब थे। जिस तरह गुजरात फाइल्स में मोदी जी बिजी है कि नफरत की ब्रांडिंग कर रहे हैं मोदी जी, क्यों नहीं वो शेख हसीना से बात करते?
बात करनी चाहिए ना शेख हसीना से, किसी भी धर्म के लोगों पर कोई भी ज्यादती होती है हम उसके खिलाफ हैं, और ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं हमारी पार्टी का स्टैंड। चलो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि जियो और जीने दो का अधिकार है, हालांकि इस्कॉन के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन इस्लामिक देशों में ये स्थिति है कि जहां हमें मारा जाता है, परेशान किया जाता है, बाकी विश्व में तो ऐसी स्थिति उन्होंने नहीं देखी कहीं। बिल्कुल, आप ये बताइए क्या तीन ही इस्लामिक कंट्री हैं पूरी दुनिया में? और अगर वहां गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार शादाब चौहान नहीं होगा, क्योंकि शादाब बाय चॉइस इंडियन है और इस्कॉन के साहब और मंडलेश्वर साहब बाय चांस इंडियन है, बाय चॉइस इंडियन। अफगानिस्तान से मेरे को क्या करना, मेरे को पाकिस्तान से बाय चॉइस कैसे हैं आप? बाय चॉइस कैसे हैं? आपको कब मौका मिला बाकी नागरिकता चुनने का? बिल्कुल, मेरे पूर्वजों को जब ये मुल्क धर्म के नाम पर बंटने की बात लोग कर रहे थे तो दो ऑप्शन थे, चाहे तो पाकिस्तान चाहे चाहे इंडिया, हमने कहा कि हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, ये मेरा वतन है, इस वतन को मैंने लहू से सींचा है। किस बात पे चुना था? हम यहीं रहेंगे। किस बात पे चुना था? किस बात पे चुना था? अपने वतन से मोहब्बत की बुनियाद, सेकुलरिज्म के नाम पे चुना था ना? यही रहेंगे जिएंगे, नहीं दिया वतन से, सेकुलरिज्म के नाम पे चुना था ना आपने? की जा रही है वतन से मोहब्बत के नाम पर। अरे उस वक्त तो एक वतन था, पाकिस्तान भी अपना ही वतन था, हिंदुस्तान भी था, आपको तय करना था कि आप इस्लामिक मुल्क में जाएंगे या सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिक मुल्क में जाएंगे। आपने नहीं, आपने पवन भाई गैर इस्लामिक सबके धर्म का सम्मान करने वाले हिंदुस्तान को चुना। हमने उस हिंदुस्तान को चुना जिसकी आजादी के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से लेकर तमाम लोगों ने मिलकर सभी धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम बंटवारा नहीं चाहते थे, हम अपने मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने सेकुलरिज्म पे चुना ना, सेक्युलरिज्म पे चुना, देश को चुना और बांटने वालों को रिजेक्ट कर दिया जिन्ना। लेकिन बांग्लादेश में जब इस्लाम के नाम पे हिंसा होती है तो आपकी सेक्युलर कहां जाता है? आप उसकी आलोचना करते वक्त चार दलीलें देते लगते हैं। अरे हमने कंडम किया ना, हमने कम अभी मैंने सपोर्ट किया नहीं किया, हमने कहा कि अगर किसी भी मजहब के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन मंडलेश्वर साहब से एक शब्द बुलवाइए कि जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है, गुजरात फाइल कश्मीर फाइल के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ एक शब्द बुलवा दीजिए। महामंडलेश्वर जी, नवल किशोर जी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लेकर जो हिंसा होती है उस पर भी तो पूछे इनसे सवाल, तो क्या हिंसा हर रूप में गलत नहीं होनी चाहिए? जय श्री राम के नाम पर पवन जी सुनिए, पवन जी सुनिए, जय श्री राम का नारा लगाकर एक किसी व्यक्ति की हत्या हो तो बताओ, हम रोड़ों पर जाकर के अपना उत्सव करते हैं, पर अल्लाह अकबर लेकर के, अल्लाह अकबर लेकर के हाथ में तलवार लेकर के हजारों लोगों की हत्या की है, इतिहास साक्षी है, हजारों लोगों की, एक दो की नहीं हजारों लोगों की हत्या की है अल्लाह अकबर लेकर के, कौन दोषी जरा बताइए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि सभी इस्लाम को मानने वाले लोग, सभी मानने वाले लोग खराब नहीं है, परंतु जो कुछ मदरसों में ज्यादातर पढ़ाया जा रहा है, मेरा एक सवाल यही पढ़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म गुरु और शादाब दोनों से है, क्या जहाँ पाओ उसकी हत्या कर दो। एक सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सिर्फ इसलिए है कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा बिना हमारी अंदरूनी मसलों के पूरी हो सकती है? क्या हम नहीं हो सकते? नहीं, हमने नहीं कहा नहीं हो सकती, शादाब क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा घर का मसला हम सुलझा लेंगे। कहा था कि बांग्लादेश आपस की बात है, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करना, वहाँ के सरकार की जिस चीज को लेकर सीरियस नहीं है उनकी जिम्मेदारी करना पाकिस्तान की है। मंडलेश्वर जी, मंडलेश्वर जी सुन लीजिए, जो भी हिंदू मुसलमान चोला पहन रहे हैं, अच्छा चोला पहने हैं, शादाब एक सेकंड, मंडलेश्वर जी सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट सर, ठीक है। शादाब, महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाकर कभी हत्या नहीं की गई। सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने के लिए एक सीए आता है तो उसका विरोध क्यों नहीं सकता? अब आप जवाब मंडलेश्वर जी सुन लीजिए, मैंने आप बड़े सम्मान से आपकी बात को सुना, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात, अफरजुल की हत्या नारा लगा करके की गई, गाय के नाम पर मारा गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश से बात नहीं करते, वो तो कश्मीर फाइल की नफरत की ब्रांडिंग में बिजी है, उनके पास समय ही नहीं है हिंदुओं के लिए, कोई नारा वो हिंदुओं का हित नहीं कर रहे, वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम।
प्रधानमंत्री अपने स्तर पर बात कर लेंगे, उसकी खबर भी आ जाएगी। शादाब सवाल ये है, शादाब सवाल ये है कि इसीलिए वापस सवाल इस पे है कि फिर सीए का विरोध क्यों? बेपंड वाले लोग क्या शरण नहीं दी जानी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं को? मंडलेश्वर जी पीएमओ फोन लगाइए और कहिए कश्मीर फाइल से पहले बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करें प्रधानमंत्री। शादाब, शादाब एक सवाल ले लीजिए, वो तो फोन लगा लेंगे, क्या आप मोदी जी को कहेंगे कि जो प्रताड़ित हिंदू है उनको वापस ले आइए? क्या मोदी जी को कहेंगे जो प्रताड़ित हिंदू उनको हिंदुस्तान में ले आइए? इसलिए शादाब कट्टर मंडलेश्वर जी जवाब देने दीजिए। मंडलेश्वर जी जागो, मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि कश्मीर फाइल के नाम पर भारत को बर्बाद मत करो, भारत के युवाओं को रोजगार प्रगति दो। एक बार इस कॉल के प्रवक्ता के पास हमें जाना चाहिए अपनी परंपराओं के साथ। राधा रमन जी, अब आपकी संस्था की तरफ से क्या हिदायत या कदम उठाए जा रहे हैं? बांग्लादेश जो सरकार कदम उठाएगी उसके अलावा हमारे डिवोटीज लोग, एक्चुअली हम लोग भगवान के ऊपर में विश्वास करते हैं, तो हमारे इस बार जब आक्रमण हुआ तो डिवोटीज लोग यूनाइटेड थे, एक साथ थे, तो उनका मनोबल पहले की अपेक्षा स्ट्रांग था, तो उन्होंने एक तरह से वो डटे रहे और पुलिस के आने तक जब आई तो पुलिस ने भी मामला को संभाल लिया पहले। और तो हमारे तीन भक्त को चोटें लगी और कुछ लूटपाट भी हुई, लेकिन पहले जैसे जो घटना हुई थी उस तरह की नहीं हो सके जिसमें जान गंवानी। स्थिति को काबू कर लिया गया है, ये हमारे लिए एक राहत की बात है, ये विवाद आगे नहीं बढ़ा, कम से कम थोड़ा सुकून हिंदू समाज को बांग्लादेश में मिला होगा। आप सबने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।